गुड मॉर्निंग एवरी वन. इन दिस वीडियो वी विल कवर डैड ट्रैप्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर HBSC स्टूडेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द पेडलर अनवांटेड जॉय. हु गेव द पेडलर अनवांटेड जॉय. किसने पेडलर को अनवांटेड जॉय दिया? तो द आयरन मास्टर एंड एडलाज इन्विटेशन. जो आयरन मास्टर था और एडला उसकी डॉटर थी, उन्होंने जो इनविटेशन दिया था टू देयर हाउस फॉर द क्रिसमस ईव, क्रिसमस इवनिंग. ईव मीन्स इवनिंग. क्रिसमस की शाम को उनके घर पर रहने के लिए, उनके घर पर आने के लिए, उनके साथ खाना खाने के लिए जो इनविटेशन मिला था, दैट वाज द अनवांटेड जॉय फॉर हिम. पेडलर चाहता नहीं था वहाँ जाना, लेकिन उसे जाना पड़ा था और उसे वहाँ जाके काफ़ी खुशी भी मिली थी, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस भी आए थे, लेकिन यही वो अनवांटेड जॉय था जिस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. सेकेंड क्वेश्चन वॉज, वाई वॉज द क्रॉफ्टर्स सो टॉकेटिव. टॉकेटिव होता है बातूनी. जो क्रॉफ्टर था वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव क्यों था? एंड फ्रेंडली विद द पेडलर. पेडलर के साथ इतना ज़्यादा टॉकेटिव और ये जो है फ्रेंडली क्यों था? क्रॉफ्टर वॉज ए लॉन्ली ओल्ड मैन. वह लॉन्ली ओल्ड मैन था, यानी बूढ़ा आदमी था, बिल्कुल लॉन्ली था. ही वॉज विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन. उसके ना बच्चे थे ना वाइफ थी, हमेशा अकेला रहता था. ही वॉन्टेड समवन टू टॉक. लॉन्ली था तो किसी को चाहता था कि कोई उससे बात करे. दैट वॉज वाई ही वॉज, आगे क्वेश्चन ही लिख देंगे, दैट वॉज वाई ही वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद पेडलर. तो थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डिड पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ आयरन मास्टर व्हेन आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम फॉर क्रिसमस. जब आयरन मास्टर ने क्रिसमस के लिए उसको इन्वाइट किया, तो उसने इन्विटेशन को क्यों डिक्लाइन कर दिया, क्यों इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो? द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम. एंड आयरन मास्टर जो था, जो उसे अपनी अपना दोस्त समझने लगा था, दोस्त समझ के अपने घर पर इन्वाइट कर रहा था, तो उसने उसे इन्वाइटेड किया, उसे इन्वाइटेड किया फॉर क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम के लिए एट हिज होम. द आयरन मास्टर वॉज अ स्ट्रेंजर टू हिम. अब जो ये आयरन मास्टर है, ये पेडलर के लिए स्ट्रेंजर था, अजनबी था. द पेडलर डिड नॉट वॉन्ट टू फॉल इन टू एनी फ्रेश ट्रबल. और हमें पता है, चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पेडलर ने जो ऊपर क्रॉफ्टर था उसके घर से पैसे चुरा रखे थे, उन पैसों को चुरा कर वो जंगल में खो चुका था, और अब और ज़्यादा एनी कोई फ्रेश ट्रबल में वो अपने आप को नहीं गिराना चाहता था, नहीं पढ़ना चाहता था. सो ही डिक्लाइन द इन्विटेशन. इसलिए उसने इन्विटेशन को छोड़ दिया. वैन डिड आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक. अब जो आयरन मास्टर था, उसे अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन कब हुआ, उसे कब रियलाइज हुआ कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा था वो उसका दोस्त नहीं था? द आयरन मास्टर टुक हिम टू हिज होम. आयरन मास्टर अपनी और उसकी बेटी, उन दोनों, उन पेडलर को मना लिया उन्होंने जाने के लिए साथ, और आयरन मास्टर उसे ले गए अपने घर पे. नेक्स्ट डे, अगले दिन, उसके सर्वेंट्स, ही सर्वेंट्स, जो आयरन मास्टर के जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट था, उसने बाथड एंड शेव्ड हिम. उसने पेडलर को नहलाया और उसको शेव किया, उसकी शेव की. नाउ एवरीथिंग बिकेम क्लियर इन डे लाइट. अब दिन के प्रकाश में सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था. नाउ द आयरन मास्टर रियलाइज्ड. और अब आयरन मास्टर ने रियलाइज किया दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, कि उसने एक मिस्टेक कर दी थी, ये तो उसका दोस्त था ही नहीं. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर. पेडलर के बारे में क्या डाउट्स थी एडला की? वेन एडला सॉ द पेडलर्स शेबी कंडीशन. शेबी होता है भद्दी. जब एडला ने देखी पेडलर की शेबी कंडीशंस, तो शी डाउट्स, उसे संदेह हुआ, उसे संदेह होता है दैट परहैप्स ही हैड स्टोलन समथिंग. उसकी सिचुएशन देख के, उसकी कंडीशन देख के, उसके भद्देपन को देखकर उसे लगता है कि शायद या तो इसने कुछ चीज़ चुराई है किसी की, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, या फिर ये प्रिजन से भागा हुआ कैदी है. He did not look like an educated man. पढ़ा लिखा आदमी तो वो बिल्कुल नहीं लगता था. तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, और दीज आर मस्ट टू लर्न. आप इन सभी को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि ये तो इस चैप्टर में से याद करने ही पड़ेंगे. हमारे 4 सेट होते हैं, हम सबको पता है, और 4 सेट में से इन 5 प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.